आज जैन धर्म संसद है, महाश्रवण जी, आचार्य प्रवर शिव मुनि जी और मैंने, हम लोगों ने ये तय किया है कि पर्युषण पर्व के पश्चात अनंत चतुर्दशी के बाद जो पहला रविवार आए, उस रविवार को पूरा देश सामूहिक रूप से राष्ट्रीय क्षमावाणी दिवस पूरा देश मनाएगा, ये हम लोगों ने आपस में तय किया है। आप जोरदार ताली बजा के इसका स्वागत करिए। संवत्सरी अलग अलग होती है, 13 पंथ की अलग, मूर्ति पूजक की अलग, स्थानकवासी की अलग, दिगंबर की अलग, उस पर एक सहमति बन नहीं सकती है, वो हम समझते हैं। जैसे अभी आचार्य प्रवर महाश्रवण जी ने कहा कि ये कपड़े पहन नहीं सकते, हम कपड़े उतार नहीं सकते, तो वही वाली बात है। लेकिन हमने एक ऐसा फार्मूला निकाला हम संतों ने आपस में मिल करके कि पर्युषण पर्व के बाद अनंत चतुर्दशी जब तक सबकी क्षमावाणी हो जाती है, तो सामूहिक रूप से पहला रविवार जो भी आए, जैसे फ्रेंड्सअप डे है, ये सरकार ने तय किया है कि सितंबर का पहला रविवार जो आएगा उसमें फ्रेंड्सअप डे मनाया जाएगा। इसी तरह से हमने तय किया है कि अनंत चतुर्दशी के बाद जो पहला रविवार आएगा उस दिन राष्ट्रीय क्षमावाणी के दिवस के रूप में, नेशनल फॉरगिवनेस डे के रूप में पूरा देश मनाए, सरकारी गजट पे इसको लाए। शिवमुनि जी महाराज ने एक विशेष प्रेरणा दी है कि इसमें इसके साथ एक और हम जोड़ेंगे कि सरकार मांस निर्यात अविलंब रूप से बंद करे। मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ श्रद्धेय तरुण सागर जी महाराज के प्रति। आज आपकी जो भावना थी उस भावना के अनुरूप जंगल में मंगल हुआ है। ये पहला मंच है जहाँ पर ना कोई नेता है, ना कोई माला है, ना कोई शॉल है, ना कोई मोमेंटो है, इसलिए फंक्शन समय से पहले पूरा हो रहा है। ये कृपा है। मैं तरुण सागर चातुर्मास समिति के सभी भाइयों के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। पहली बार हमारे इतने मूर्धन्य आचार्य राजधानी दिल्ली में हैं और उसकी उपलब्धि केवल चातुर्मास के रूप में नहीं, राष्ट्र को दिशा के रूप में होनी चाहिए। भगवान महावीर चंड कौशिक को भी क्षमा करते हैं, संगम देव को क्षमा करते हैं, अर्जुन मालिक को क्षमा करते हैं, कानों में कीले ठोके गए उनको क्षमा करते हैं, एक रात में 20 स्वर्ग आते हैं क्षमा कर देते हैं, भगवान पार्श्वनाथ कमर को क्षमा करते हैं, 24 तीर्थंकरों में सब में पहले क्षमा है। अरे आप कितना तप कर लीजिए, कितनी परंपरा का पालन कर लीजिए, कितने उपवास कर लिए, यदि आपके भीतर क्षमा नहीं है तो आप मोक्ष नहीं जा सकते। क्षमा धर्म का द्वार है। 10 धर्मों में पहला है धर्म क्षमा। अजर अमर है आत्मा, उसका प्रसन्न चित्त व्यवहार है क्षमा। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अजर अमर है आत्मा, उसका प्रसन्नचित्त व्यवहार है क्षमा। जीवन को जीवंत बना दे ऐसा आत्मज्ञान है क्षमा। अनंत सुख की धारा है, इस भाव का अनुभव है क्षमा। हर आत्मा से जुड़ी है, इसका एहसास है क्षमा। दुखों के पहाड़ से बहती है जो सुख की धारा, ये भाव है क्षमा। व्यवहार जगत में मनुष्य को श्रेष्ठ बनाती है क्षमा। आत्मा ही परमात्मा का साक्षात्कार कराती है क्षमा। व्यवहार जगत में मनुष्य को श्रेष्ठ बनाती है क्षमा। आत्मा ही परमात्मा का साक्षात्कार करती है क्षमा। उत्साह उमंग उन्नत शिखर पर नृत्य करते, उत्साह उमंग उमंग उन्नत शिखर पर नृत्य करते, ईश्वरी व्यवहार का नाम है क्षमा। गणों में उत्तम गंधर्व गौतम, गणों में उत्तम गंधर्व गौतम, मानव जीवन आभार करता है क्षमा। केवल ज्ञान के पथ पर दीप प्रज्वलित प्रकाश में प्रकट होती है क्षमा। जय जिनेन्द्र। क्षमा वीरस्य भूषणम्। क्षमा वीरों का आभूषण है, जैन सिद्धांतों में कहा है। जैन समाज अगर अपनी उन्नति की बात चाहे, जैन समाज अगर अपने धर्म को बढ़ाना चाहे, तो वक्त है, मौका है, अवसर है आपके लिए कि क्षमावाणी पर्व हमारे बीच जो आ रहा है, प्रतिवर्ष आप जो क्षमावाणी मनाते हैं उसे आप अपने मंदिर के चार दीवारों के अंदर ना मना करके सामूहिक रूप से पूरा जैन समाज देश का एकत्रित होकर के, जिस प्रकार संलेखना के वक्त आप एकत्रित हुए थे, संथारा वाले सब्जेक्ट में आप एकत्रित हुए थे, तरुण सागर जी के बारे में एक बात आई थी उस वक्त आप एकत्रित हुए थे, पुनः एकत्रित एक होने की बारी है। और अगर आप आज एक हो गए
गए तो आपका काम नेक हो जाएगा। जैन समाज के पास एक बहुमूल्य रत्न है क्षमा और क्षमावाणी। क्षमावाणी पर्व आप मनाइए, सामूहिक रूप से मनाइए, अपने अपने शहर नगर में मनाइए, लेकिन एकत्रित होकर के एक विशाल रूप में मनाइए। क्योंकि वर्ष 2014 में चारों संप्रदायों का एक महासम्मेलन हुआ था धर्म संसद, जिसमें परम पूज्य तरुण सागर जी महाराज श्वेतांबर स्थानक वासी से, शिव मुनि जी आचार्य महाश्रवण जी तेरा पंथ से और मूर्ति पूजक संघ से अवध्य सूर्येश्वर जी महाराज, इन चारों ने एक पहल की थी कि दोनों समाज के परिषण 10 लक्षण के बाद जो पहला रविवार आएगा उस दिन हम सामूहिक रूप से क्षमावाणी मनाएंगे, एकत्रित होकर सामूहिक क्षमावाणी महापर्व मनाएंगे और आराधना करेंगे महावीर के चरणों में क्षमा याचना करके। आज वक्त है, समय है आपके पास। आने वाले 30 सितंबर को पूरे देश में संवत्सरी और परिषण खत्म हो रहे हैं, पहले रविवार 30 सितंबर को है। आइए एकत्रित होइए और सामूहिक रूप से 30 सितंबर को क्षमावाणी मनाइए। युवाओं से निवेदन करूंगा कि आप मदर्स डे, फादर्स डे, फ्रेंडशिप डे, वैलेंटाइन जैसे विदेशी दिनों को मना सकते हैं तो क्षमावाणी मन पर्व को क्यों नहीं मनाते हैं। वक्त है आपके पास, समय है, आइए 30 सितंबर को सामूहिक रूप से मनाइए और 30 सितंबर को मना करके सरकार से अपील कीजिए कि ये पर्व ना सिर्फ जैनों का है बल्कि इससे आप आतंकवाद से शांतिपूर्वक लड़ करके एक अपने देश की समस्या का हल निकाल सकते हैं। तो क्षमावाणी पर्व को सामूहिक क्षमावाणी पर्व घोषित कराना है। श्रावक हो या संत, सबका एक ही सपना, क्षमावाणी पर्व, राष्ट्रीय क्षमावाणी पर्व घोषित हो अपना। बस इसी बात के साथ मेरी बात आप तक, अब अपनी बात को आपको सरकार तक पहुंचाना है। सादर जय जिनेंद्र। The Jain community every year celebrates a festival called Kshamavani. I think this is a very, very significant festival that all of us should celebrate. You know, Kshamavani is asking forgiveness, the day of forgiveness. Today in the world there is so much hatred, so much tension, so much war. There is domestic, societal, between the countries. In this scenario, it is so significant to ask forgiveness with each other. By asking forgiveness, your status will never go down. So, let us celebrate as a day of forgiveness, Kshamavani. So, let us take these words and put our intention for it to manifest. Knowingly or unknowingly, intentionally or unintentionally, if any hurt has been caused by my thought, word or deed, I would ask forgiveness. So let us all in the world celebrate this day of forgiveness. Let us forgive and ask for forgiveness and live together as one family. नमोकार महामंत्र जो जैनों की आन बान शान है और संस्कृति का सम्मान है, नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयलियाड़म, नमो ओवज्जायाड़म, नमो लोहे सब सबुड़म। ये नमोकार महामंत्र ना सिर्फ हमारा सम्मान है बल्कि महावीर भगवान की आत्मा है। उस महामंत्र का आज अपमान करने की कुचेष्टा की है एक तेलुगु मूवी जो आ रही है, उसके डायरेक्टर राजू कोपुला और इसके म्यूजिक डायरेक्टर मनीष शर्मा ने। राजू कोपुला संस्कृति में रह करके, देश में रह करके
दोगुलापन दिखा रहा है कोकुला, और मनी शर्मा मनी के लिए अपनी शर्म को बेच चुका है। पूरे जैन समाज की तरफ से एक जैन संत होने के नाते मैं आपको चेतावनी हूं, एक चुनौती देता हूं कि दो दिन के अंदर उस आपकी मनी ई माया प्रेमी तो मैं इस गाने को निकाल दिया जाए, नमकार वहां मंत्र के अपमान को सम्मान में परिवर्तित कर दिया जाए, और 30 तारीख के दिन जैन समाज क्षमावाणी पर्व राष्ट्रीय क्षमावाणी पर्व के रूप में मनाने जा रहा है। उस दिन समाज के बीच आकर के समाज के सामने आकर के ये दोनों व्यक्ति क्षमा मांग ले, अन्यथा अंजाम बहुत बुरा होगा, अहिंसा प्रिय समाज सड़कों पर आ जाएगी। आए नवकार महामंत्र के इस अपमान को अश्लीलता में बेचने का कुपथ्य को कुकृत्य को स्वीकारे और क्षमा मांगे और स्वयं को दो दिन के अंदर निकाल दे, अन्यथा जैन समाज शांति प्रिय के साथ साथ क्रांतिकारी भी है। इस बात का ध्यान रखें। जय जिनेन्द्र। दो दिन का वक्त आपके पास।